जब आप व्हाट्सएप आए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप क्या करना है, नीचे आना है और इस पर अप्लाई पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट करना है। अब क्या होगा, आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी आ गया, मैं यहाँ पे ओटीपी अपना फिल कर देता हूँ। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करते हैं। तो पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने रिज्यूम का फोटो भी ले सकते हैं, या नहीं तो अपने फाइल से भी यहाँ इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं मीडिया पर क्लिक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपना रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया। क्या ऐसा है कि आपका रिज्यूम का नाम छोटा होना चाहिए, जिससे ईजिली ये अटैच कर ले इसमें। अगर रिज्यूम का नाम बड़ा रहेगा तो ये फिर लेगा नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लिया और नाम यहाँ फिल कर लेना है अपना। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया। फिर जेंडर में आप मेल है तो मेल फिल करिए, फीमेल है तो फीमेल फिल करिए। यहाँ से ब्लड ग्रुप, यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से नेशनलिटी, इसमें आपको इंडियन आ जाएगा ही। और यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना है और पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है, वो मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर यहाँ सोर्स में इसको डालना है कि आप किसके थ्रू इस पोजीशन को जाने हैं, कि ये यहाँ पे वैकेंसी चल रही है। तो मैं यहाँ पे फेसबुक कर दे रहा हूँ। फिर सोर्स कैटेगरी में इवेंट फ्री जॉब बोर्ड, फ्री जॉब बोर्ड पर क्लिक कर दिया। अब प्रेफरेंट लोकेशन में क्या करना है, झारखंड कर देना है, क्योंकि हम झारखंड के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। फिर करंट सिटीज में क्या करना है, करंट सिटीज में डालना है 9000 और एक्सपेक्टेड में डाल देना है 13000। और आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना पिन नंबर डालना है। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे पिन नंबर और आधार नंबर, आपको अपने पिन नंबर से देख के पिन नंबर डालना है, आधार कार्ड से देख के आधार नंबर डालना है, कुछ गलत ना हो जाए। फिर यहाँ पे अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना है, जो आपके गार्जियन का कोई भी मोबाइल नंबर है उसको डालना है। फिर यहाँ पे इमरजेंसी जो है उनका नाम क्या, आप मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, जो भी हो उनका यहाँ पे नाम डालना है। मैं अपने भाई का डाला हूँ तो मैं अपने यहाँ पे ब्रदर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको करंट एड्रेस डालना है, तो आपको विलेज, पोस्ट, थाना वगैरह सब कुछ लिख के डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विलेज, मझौलिया, पोस्ट मुसेहरी, पीएस पुलिस स्टेशन विजयपुर, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, फिर बिहार कर दिया। फिर करंट कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, करंट स्टेट में बिहार, करंट सिटी में आपको अपना करंट सिटी को सिलेक्ट करना है, जो ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है। फिर यहाँ पे अपना करंट पिन को डालना है, फिर इस पर क्लिक कर देना है, जो ऊपर वाला इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास, तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ से ऐड करना है, और नहीं है तो छोड़ देना ऐसे ही ब्लैंक। अगर फिर आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन ऐड करना है।
इसको ऐड कर देना है। फिर यहाँ से इवन नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको यहाँ पे अपना इवन नंबर फिल करना है, नहीं तो इस पर आपको 00 फिल कर देना है। अगर आपको पिछली कंपनी में ESIC कार्ड मिला हुआ है या ESIC नंबर है तो आपको फिल करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे 00 फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। फिर यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, अगर अप्लाइड कराया है तो आपने यहाँ पे अप्लाइड लिख देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर डालिए, नहीं तो इसे यहाँ पे NA कर देंगे। फिर यहाँ पे अपने फादर का नाम डालना है। अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम डालना है। फिर हम मदर का डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपका शादी हो गया है तो मैरिड लिखना है, नहीं हुआ है तो सिंगल लिखना है। बेसिक्स ऑफ ज्वाइनिंग में आपको डालना है पेरेंट डिक्लेरेशन, ग्रांटर एफिडेविट, आपको दोनों लगेगा तो आप अभी यहाँ पे ग्रांटर एफिडेविट फिल कर दीजिए। फिर क्या करना है, सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे लिख देगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग और अप्लाई हो जाएगा।